डॉक्टर खुर्रम जी, निदा सवालात का सिलसिला जारी, बिल्कुल ठीक शुरू करते हैं। बिल्कुल क्या फेस्टिवल है? बिल्कुल बर्थडे फेस्टिवल है, लेकिन अक्सर लोगों के घरों में शादी ब्याह हो रहे हैं, या फिर ईद होती है, या फिर किसी की वाकई बर्थडे पार्टी भी बहुत बड़े पैमाने पे बड़े पैमाने की जा रही होती है, बिल्कुल तो सही उसमें है। उसमें लोगों को क्या क्या ग्रूमिंग करनी चाहिए अपनी? अच्छा देखिए, एक तो सबसे अच्छा बड़ा इवेंट होता है घर, बड़ा इवेंट होता है। अच्छा मैं एक बड़ा अच्छा एक डिश बताना चाह रहा हूँ कि जो अगर आप रोजाना एक आप प्याला रोजाना नाश्ते में खा लेंगे या खा लेंगी खवातीन हजरात दोनों के लिए, तो बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग, एंटी रिंकलिंग, अच्छा आपकी पूरी बॉडी फिटनेस का, अच्छा मीठे की क्रेविंग जो होती है वो आपकी बॉडी को सही तरह से भरेगा भी प्रोपोर्शन में, बिल्कुल सूखे भी अच्छे नहीं लगते ना, और बिल्कुल एक्टिव होंगे, क्योंकि फेस्टिव जब फेस्टिवल्स आपके घर में हो रहे होते हैं आपको एक्टिव होना जरूरी है, बिल्कुल आपको एनर्जी चाहिए होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल एक एनर्जी हो आपके अंदर, तरंग हो, बिल्कुल हाँ। तो क्या करना है कि एक लो फैट योगर्ट का प्याला, बगैर बलाई का एक भर के प्याला लीजिएगा, उसके अंदर डालिएगा तकरीबन आधा कप पानी, यानी आप बिल्कुल छाछ या पतली लस्सी टाइप बना लेते हैं ना वो कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा दूध मिलाइएगा, पाउडर्ड मिल्क भी मिला सकते हैं, स्किम मिल्क ऐड कीजिएगा, एक केला क्रश करके, 5 से 6 चेरीज या 2 स्ट्रॉबेरीज ऐड कीजिएगा, एक आड़ू मिल जाए या आलूचा मिल जाए उसको क्रश करके डालिएगा, बीज निकाल लीजिएगा, पाइन एप्पल जो कैंड होते हैं एक स्लाइस वो, और उसका थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जूस, ये तमाम चीजों के साथ मिक्स करके आप थोड़ा सा गुल कतीरा, एक उसमें गुल कतीरा ये बड़ा एनर्जाइजिंग होगा, ये आप प्याला बना के रोजाना खा ले नाश्ते में, इवन बच्चों को भी दें, बड़ा फिलिंग होता है, अच्छा बड़ा ग्रेजुअली आपके बाल अच्छे होना शुरू होंगे, बॉडी एक भरी भरी जो कहते हैं ना एक भरी भरी बॉडी, अट्रैक्टिव बॉडी वो आती चली जाएगी, और दूसरी बात यह कि आपके जो गाल पिचके हुए हैं, आंखें लटकी हुई हैं, यहाँ पे सर्कल्स पड़े, उस तमाम को कॉम्बैट करेगा। इसकी सबसे बड़ी बात है दही जो है वो बहुत अच्छी होती है, वैसे भी हाई प्रोटीन कॉन्टेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, तमाम कैल्शियम है, पोटेशियम है। बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं ना, जब मदर फीड पर होते हैं और फिर उनको आप बॉटल फीड पे डालने की कोशिश करते हैं तो बच्चे नहीं एक्सेप्ट कर पाते, दूध पीना छोड़ देते हैं, तो डॉक्टर्स से अगर मशवरा करो तो वो यही कहते हैं कि दही खिला दें, चीज खिला दें, सोया मिल्क बड़ा बाहर के मुल्कों में, यहाँ लोगों को पता नहीं टेस्ट उसका पसंद नहीं आता, बहुत सारे लोगों को ये एक वही महबूब भाई बता रहे थे कि ग्लूटेन फ्री डाइट, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि जी व्हीट बार्ले उनको नहीं है, तो वो ग्लूटेन फ्री डाइट होती है वो बड़ी अच्छी, बाहर के मुल्कों में तो बड़ा इशू होता है, हमारे यहाँ तो पता नहीं लोगों का पेट खराब हो रहा है, लोग उसमें चले चले जा रहे हैं। अच्छा एक बात और बहुत होती है कि आप वेट जब आप कम करते हैं तो आप बिल्कुल आपके चेहरे पे एक टायर्डनेस, एक थकन आती है, तो उसके लिए आपको दूध का जितना इंटेक करेंगे उतना आप अच्छा। अच्छा ठंडा दूध या गर्म दूध सेहत के लिए? मैं आप दोनों से पूछूंगी, बिल्कुल कि कौन मेरे ख्याल में हुए, दोनों आपकी चॉइस है। ये कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आया कि ठंडा, ये हकीमी तौर पे तो पॉसिबल है कि वो कहते हैं तासीर बदल जाती है, लेकिन अदरवाइज दूध के कोई ऐसी चीज नहीं, इसमें केमिकल को ऐसे कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई ऐसी चेंज नहीं आ पाता कि इसके आप गर्म पिए या ठंडा पिए, बिल्कुल सही बात है। लाइक दूध किसी भी शक्ल में, अक्सर बच्चे चाहते हैं कि भाई वो ठंडा पी लें तो अम्माएं कहती नहीं भाई ऐसे नहीं करो, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा वो, तो जिस शक्ल में आपको दूध पीना अच्छा लगता है और आप जरूर पिए क्योंकि वो हड्डियों के लिए बड़ा जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल है ना। अगर अच्छा इसके अलावा अगर आपको एक कॉन्स्टिपेशन का इश्यू बहुत होता है, अगर आप फेस्टिवल्स आ रहे हैं, शादियां हैं, आप मैदे की बनी चीजें खा रहे हैं, डिप्रेशन और टेंशन से भी कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप कोई अगर आपको एंग्जाइटी बहुत है, स्ट्रेस है, और आपका उससे क्या होता है, सबसे पहले आपकी बॉडी में एक तो आप बड़े डिप्रेस होते हैं, आपके ब्लड सर्कुलेशन बहुत, खून का दौरान स्लो हो जाता है, दूसरा आपकी जो बाउल हैबिट्स है ना वो अगर जो तेजी से मशीन काम करी वो स्लो डाउन हो जाती है, वो और दिमाग में खून चला जाता है, जो आपकी अंतड़ियों को जो खून चाहिए मोटिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए वो दिमाग में चला जाता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये कि एक तो लेक्सेटिव्स का इस्तेमाल, LAXATIVES, एक चमचा आप रोजाना पिए, अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं और आप जंक फूड आप नहीं बच सकते तो लेक्सेटिव आप दिन में एक चमचा ले ही लें तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। दूसरी चीज ये कि आप हाई फाइबर डाइट, लाल रोटी खाएं, फाइबर असल बोल की अगर आप दही पी रहे हैं तो उसमें एक टीस्पून आप वो मिला लें, जितना ज्यादा करेंगे फिलिंग भी होता है, पेट भी भर जाता है, ये भी बड़ा इशू होता है ना कि पेट नहीं भर रहा तो पेट भी भरता है, दूसरा आपके अंदर अच्छा बहुत आपको अंदर जो एक आपके अंदर कहते हैं ना वाइटैलिटी वो असल वो लाती है, जो आप कमजोरियां हो रही होती है ना, दूसरी वीकनेसेस हैं आपकी, मसल्स में दम नहीं है, एनर्जी नहीं आ रही, तो असल वो एनर्जी भी लाती है। साथ में आप कोशिश करें कि आप अर्के गुलाब, एक तो जैसे कि आप कहते हैं ना कि अर्के गुलाब चेहरे पे लगाने का अलग है,
आंखों का अलग है और पीने के लिए वो अलग है, तो वो भी आप इस्तेमाल किया करें, बड़ी ठंडक होती है। सिर्फ ब्रेक पे जा रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक के बाद वापस आएंगे डॉक्टर खुर्रम से और मजीद मजेदार सवाल करेंगे जिनसे सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। फेस्टिवल वीक चल रहा है, जौक जिंदगी में जौक की बर्थडे की सेलिब्रेशन यूं जारी है, हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद। डॉक्टर खुर्रम जी निदा, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले पहले बिल्कुल के फेस्टिवल्स में, फेस्टिवल्स में बिल्कुल जब आपने अपने आप को खूबसूरत बनाना होता है, ग्रूमिंग करनी होती है, बिल्कुल तो बालों के लिए क्या करें, बालों के लिए क्या, स्किन के लिए क्या करें। अच्छा, गर्मियां भी चल रही है ना पूरे पाकिस्तान में, तो एक हमें मिस फौजिया की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि जी उनको पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा गर्मी दाने हो रहे हैं बिल्कुल, और मिलेरा उसको कहते हैं। ये देखिए, अगर हम और वाजे करके दिखाते, तमाम पिक्चर्स से रिलेटेड है ये गर्मी दाने, मिलेरा भी कहलाता है, ही ट्रैश कहलाता है, मिलेरा MILLIARIA ही ट्रैश, ये ऊपर लिखा भी नजर आ जाए। और जब दाने स्पेशली निकलते ही तब है मुंह पर, हाँ। जब आपके घर में कोई दावत होती है, दावत होती है। अच्छा, ये बॉडी पे निदा, और ये जिस तरह की जैसे अब ड्रेसेस हम लोगों को दे रहे हैं, हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग यूज टू नहीं होते, हाँ। अच्छा, आपने ये ड्रेस पहने और फौरन ये दाने आ जाते हैं, हाँ। ठीक है, नहीं तो भाई ये किसी ने पहना हुआ नहीं, नहीं नहीं नहीं, इस तरह की ड्रेसेस जो रेशमी टाइप होते हैं ना, वो आप पहने और फौरन दाने आते हैं। अच्छा, इस तरह के अगर आपको गर्मी दाने आ रहे हैं चेहरे से लेकर बॉडी तक, अच्छा, उसके लिए बड़ा अच्छा सा स्क्रब बनाएंगी। ये देखिए, इस तरह का स्क्रब बनाएंगी और इस तरह की जो एक कहलाते ना झावा, ठीक है, ये देखिए झावा, आपने पहले पूरी बॉडी पे नीम गर्म पानी से एक अच्छा सा हल्का सा मसाज किया, ठीक है, फिर आपने एक मिक्सचर बनाया, आपने लिया जौ का आटा 2 चम्मच, ठीक है, जौ का आटा जो 2 चम्मच, आधा चमचा काली मिर्च, ठीक है, 2 टेबलस्पून कैलमाइन लोशन, इसमें डालेंगे आप कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग मिल्क, या अगर वो ना मिले लैक्टिक एसिड, वो ना मिले 4 दिन पुराना दही, मिक्सचर बना के पूरी बॉडी पे आप ये मसाज करें, और नहाने के लिए जब आप बाल्टी में या बेदिंग टब में पानी डालें, 1 चमचा एप्सम सॉल्ट, जो हमने दिखाया था वो जो मोटे दानों वाला होता है, वो डाल के आप 10 मिनट के लिए पूरी बॉडी को उसमें छोड़, 1 दिन के अंदर दाने राय हो जाएंगे पूरी बॉडी पे, जो आपके रेशमी कपड़े पहनने से होते हैं, ये कपड़ों का कसूर नहीं होता, ये आप बॉडी जो वो बर्दाश्त, हाँ, बर्दाश्त नहीं करती ना, कि कुछ लोग कहते हैं प्योर प्योर कॉटन चीज हो, नहीं कॉटन हो या सिल्क हो, सब प्योर पहने, हाँ, या बुंदे हो तो बुंदे हो, बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल लोग नखरे क्यों होते हैं, मैं बस देखिए नखरे तो जरूरी है ना। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ जवेरिया है, मियां चुन्नू से, सलाम वालेकुम जवेरिया। निदा, आप कैसी हो? आप ठीक ठाक, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निदा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज, आप ब्लैक सूट में। थैंक यू। मैंने डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। जी सर, क्या हाल है, खैरियत से आप? ठीक ठाक डॉक्टर, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ। मियां चुन्नू की मुझे सबसे, मैंने आपसे ये पूछना था, आपने वजन कम करने के लिए वो जो बताया था नीम गर्म पानी में और लाहौरी नमक और वो जामुन का सिरका, जी जी, और आपने उसमें बताया था अजवाइन भी डालनी है, तो डॉक्टर खुर्रम मेरे चेहरे पे ना मतलब पिंपल पहले बनते थे, अब नहीं बनते क्योंकि मैंने अरके गुलाब बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अच्छा, और ये अजवाइन जो होती है ये गर्म होती है, उस 2-3 दिन हो गए हैं मुझे ये इस्तेमाल करते हुए, तो उससे ना मेरे चेहरे पे हल्के हल्के पिंपल बनना शुरू हो गए हैं। अरे नहीं नहीं, मैं आपको उसका बताता हूँ। अच्छा, एक ग्लास नीम गर्म पानी लेना, उसे पूरी चीजें बताता हूँ आपको, ठीक है, आधा लेमन, ठीक है, चुटकी लाहौरी नमक, 1 चमचा जामुन का सिरका या गन्ने का सिरका, पिंच अजवाइन आपकी चर्बी काटने के लिए, अच्छा पेट साफ करने के लिए, और 1 चमचा असोगोल की भूसी, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको एक्ने आ रही है ना गर्मी दाने, तो आपको क्या करना है, जहां जहां जिस हिस्से पे गर्मी दाने आ रहे हैं ये पीती रहना, पानी खूब पीना, जेंटसिन GENTICYN मियां चुन्नू में मुल्तान में आराम से मिलेगी, जेंटसिन क्रीम और कैलामाइन लोशन हम वजन मिला के पूरे चेहरे पे आप लगाती जाओ, जितने दाने गायब होंगे। इसको छोड़ना नहीं, 2 महीने में देखना कैसी स्लिम और स्मार्ट और मियां चुन्नू की फेवरेट तरीन हो जाए। ये बात है।